जैसा ये देख रहे हैं, ये है स्मार्ट सुपर स्टोर। अभी दरगाह में बढ़ेंगे तो यहाँ कपड़े हैं। मैं खा चला चला बढ़ता गया। चलो दोस्तों, कैसा आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक हो गए। एक नए ब्लॉग के संग मैं फिर आ गया हूँ आपका, अपने भाई जिसान अली। और आज जो मैं गया था पंतनगर गया था, बड़ी हालत ख़राब हुई पसीने, मतलब गर्मी से पसीना इस कदर निकला। गर्मी बहुत हो रही है प्लेन्स में वाकई। तो नैनीताल तो यार वाकई जन्नत है। नैनीताल में लोग क्यों आ रहे हैं पता चलता हमें कि नैनीताल में लोग ठंडी ठंडी हवा और ठंडा ठंडा वेदर देखने भी आते हैं। जैसे एसी होता है ना, तो नैनीताल एसी है तो एसी में रहने आते हैं। तो आज फाइनली मुझे पता चला है और इस टाइम मैं आ गया हूँ पंतनगर से हल्द्वानी लामा चौड़ के रास्ते में हूँ। और इस टाइम मैं खड़ा हूँ सुपर स्मार्ट सुपर स्टोर जो रिलायंस का है। तो इसके अंदर ना बहुत सी हर चीज़ की वैरायटी, मतलब हर चीज़ मिल जाती है, कुछ भी ले लो आप। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ और दिखाता हूँ कैसा है इसका अंदर का नज़ारा, कितना बड़ा है, क्या क्या चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ, दिखाता हूँ वहाँ का अंदर का सुपर स्टोर स्मार्ट। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। Yeah.
जैसा आप देख रहे हैं इस टाइम मैं हूँ नैनीताल से पंतनगर, और पंतनगर में गर्मी का मारे हाल देख सकते हैं, बेहाल है इस टाइम। तो इस टाइम हूँ पंखे के नीचे, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो इस टाइम ना हालत ख़राब है और तेज़ धूप भी है। तो अभी आज नैनीताल का ब्लॉग नहीं है, ये है मेरा नैनीताल टू पंतनगर का ब्लॉग। और इस टाइम आप देख रहे होंगे फेस में जो है मेरी चमक हल्की हल्की, ये धूप पड़ी है बहुत तेज और इस टाइम बहुत गर्म हो रहा है। तो अभी हम जाएंगे मार्केट की तरफ, यहाँ लगती है बाज़ार, तो बाज़ार का दिखाऊंगा मैं हाट कैसी लगती है बाज़ार। जहाँ पे हूँ मैं इस टाइम हूँ पंतनगर के हवाई अड्डे के पास, और बाज़ार में लगती है आज बृहस्पतिवार को बाज़ार, तो वो दिखाऊंगा कैसी बाज़ार लगती है। तो यार गर्मी के मारे तो बेहाल है, अब मुझे वही कम नाम नैनीताल जाएँ। फटाफट से हम नैनीताल पहुँचे अपने शहर, वही शहर अच्छा वही हमारा नैनीताल का। तो आपको कहाँ से आप लोग हो, कहाँ गर्मी आपको लग रही है आप इस शहर में, तो वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो जैसा ये देख रहे हैं ये है स्मार्ट सुपर स्टोर, और यह है रिलायंस वालों का। तो इस तरह से यह बना हुआ है, और इसी के तरफ से जा रही है लामा चौड़ की रूट, ये लामा चौड़ काला ढूंगी यही जा रही है आम्रपाली। तो अब यहाँ से जाएंगे हम लामा चौड़ होते हुए नैनीताल को। आप देख रहे हैं सामने पहाड़ भी देख रहे हैं आप, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं ये। तो चलिए चलते हैं अब इसके अंदर और दिखाता हूँ मैं इसके अंदर का नज़ारा कैसा है। तो जैसा आप देख रहे हैं इस टाइम मैं हूँ रिलायंस जियो मार्ट में हूँ। इस टाइम आप देख रहे हैं कि हर चीज़ मिल जाएगी आपको इस टाइम, और मैं आया हूँ हल्द्वानी इस टाइम। कुछ अभी तो कुछ भी नहीं लिया है, अभी तो स्टार्ट भी नहीं करा हमने, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लेना, क्योंकि गर्म इतना लग गया था अभी, गर्म के मारे हालत बिल्कुल ख़राब है। और थोड़ा सा पंखे इसमें बहुत बड़े बड़े लगे, अभी आपको दिखाता हूँ आगे चल के कितने बड़े पंखे हैं। हर वेराइटी आपको मिल जाएगी, यह अगरबत्ती, बर्तन, राशन, और ऊपर इनका सामान है। तो इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे है बॉम्बीटा के बिस्कुट लग रहे हैं मुझे बॉम्बीटा के। और इधर देख सकते हैं आप खुदियाँ बहुत बड़ा है ये, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो, ये बहुत ही बड़ा रिलायंस का, जैसे विशाल मेगा मार्ट है ना वैसे रिलायंस का है ये, लेकिन ये सबसे बड़ा है। तो ये है लामा चौड़ वाली रोड का हल्द्वानी। तो आज मैं इधर ही आया हूँ, थोड़ा सा मैंने सोचा ये व्लॉग बना के आपको दूँ। ये पानी की बोतलें हैं, जूस, इधर सारे जूस लगे हैं, तो ये देख सकते हैं ये भी जूस हैं, इधर भी जूस लगे हुए हैं रियलमी के। उधर देख सकता हूँ कितना बड़ा स्टोर, ऊपर स्टोर है इनका। तो जो मैं आपसे पंखा कह रहा था ना, ये सामने देखो कितना बड़ा पंखा है, ये देख सकता हो अभी। तो आप देख रहे हो कितना बड़ा पंखा है। और इधर है बर्तन है, और मैगी है, इस तरह के आइटम है इधर की तरफ, सूप वाले जो हैं। इधर वाले आइटम है ये, जैसा देख रहे हैं आप, ये थोड़ा बहुत चाकू, कैची, फ्रीज़र वाले जैसे आइस क्यूब होती ना बर्फ जाने वाली, सामने वो भी है उसका। अच्छा सा आप देख सकते हैं 8 रुपये सेब, पेप्सी में 20 रुपये सेब, तो इस तरह का डिस्काउंट है। और यहाँ से ना लोग बहुत ले जाते हैं पेप्सी, थम्स अप, ये भर भर के ले जाते हैं, ट्रॉली में भर भर के ले जाते हैं। इधर राशन का आइटम है, ये दे सकता आप सब, तेल, घी, कड़वा तेल, आटा, इस तरीके का है यहाँ पे। ये देख सकते हो आप, और यहाँ पे मिलेंगे आपको बिस्कुट, पूरे बिस्किट हैं यहाँ पे, बिस्किट के में वैरायटी ज़्यादा है यहाँ। और इतना सामान ले लिया है, ये वाला मैंने लिया है। तो जैसा आप देख सकते हैं इधर है हमारे ये रस के पैकेट, और ये चावल, ये चावल का पैकेट है। इस टाइम मैं हूँ मॉल में, और आप देख रहे होंगे कि हालत कैसी होगी गर्मी से। तो
अभी मैं गया था पंत नगर, तो इतनी गर्मी थी, बेतहासा गर्मी थी, मतलब बहुत गर्म लग रहा था हमें। हम तो वैसे भी पहाड़ वाले हैं, नैनीताल वाले हैं, तो बहुत गर्म लग रहा था हमें। तो पंत नगर से हम आ गए हल्द्वानी लामा चौड़ के रास्ते में, रिलायंस जो रिलायंस का मेगा मार्ट है, विशाल का है, बड़ा मेगा मार्ट है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। काफ़ी वैरायटी, हर चीज़, हर वैरायटी है यहाँ पे, कुछ भी ले लें आप। जैसे विशाल मेगा मार्ट है, वैसे ये भी है। इस टाइम मैंने ट्रॉली ले रखी है और बाल देख रहा हूँ पूरे सूख गए हैं। तो चल के मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरा साथ ये चल रही है। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि पता नहीं अंदर एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, पंखा तो चल ही रहे हैं बड़े बड़े, जो मैंने आपको दिखाया। पता नहीं एसी चल रहा है कि चल रहा है ये पता नहीं, लेकिन ठंडा है अंदर। चलिए मैं बैक कैमरे से फिर दिखाता हूँ। तो जैसा आप देख रहे हैं ना, डब्बे के अंदर है केसर। तो केसर कितने से रख रखा है आप देख सकते हैं। और यह सब दालें हैं, ये तो ये हैं दालें, और ये देख सकते हैं केसर डब्बे के अंदर। तो इधर देख सकते हैं आप, ये हैं सब्जियाँ यहाँ पे। और ये तरबूज 25 रुपए किलो, शिमला मिर्च 60 में एक कम रुपए किलो, 39 रुपए का मशरूम। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने रेट लिस्ट भी लगा रखी है, तो उससे जो यहाँ ख़रीदार करने होते हैं, इनके टूरिस्ट होते हैं, तो उनको सहूलियत हो जाती है। तो चलते इधर की। और यहाँ देख सकते कैचअप, टमाटर कैचअप, ये है नमकीन। अब इधर को हम बढ़ेंगे तो यहाँ कपड़े हैं, लेकिन यहाँ यहाँ हम लड़कों के कपड़े भी मिलते हैं, वो नहीं देखे मैंने, जैसे विशाल मेगा मार्ट में मिलते हैं, तो यहाँ नहीं मिलते हैं। तो कुछ इस तरीके से नज़ारा है रिलायंस मेगा मार्ट का। इधर देख सकते हैं आप सब्जी सब्जी, और इधर ये हैं। तो इधर है कपड़े की दुकान, दुकान से माफी माफ़ी चाहते हैं। हम कह रहे हैं आपसे कपड़े की दुकान, ये है मॉल, मॉल के अंदर हैं कपड़े, तो माफ़ी चाहते हैं हम आपसे। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है। ये और जैसे देख सकते हैं हम यहाँ पे हमने करा ली बिलिंग। तो जैसे आप देख रहे हैं मैं करा बिलिंग करा के आ गया हूँ बाहर, और इतना बड़ा बिल है ये। और मौसम हल्द्वानी का कुछ इस तरीके से बड़ा अच्छा मौसम हो गया है ये। और यह है स्मार्ट सुपर रिलायंस का, बहुत बड़ा है यार ये अंदर से। तो जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, तो ये लिया हमने सामान, और हाँ ये है बिल।